ओके फ्रेंड्स, राधे राधे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर 10, दिस इज योर यूनिट 4, ओके, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स क्या हम लोग निकाल रहे हैं फ्रेंड्स? मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, और इसको अपन कभी कभी बोलते हैं डेटर्स मैनेजमेंट। डेटर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, या फिर इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, अपन इसको और भी बोल सकते हैं, इज ए डेटर्स मैनेजमेंट। और इसके दो अप्रोच हैं, एक टोटल अप्रोच है और एक आपका इंक्रीमेंटल अप्रोच है। इंक्रीमेंटल अप्रोच थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, टोटल अप्रोच एकदम ईजी है। तो मैक्सिमम हम लोग यूज करेंगे टोटल अप्रोच वाला कंसेप्ट, राइट? ओके, तो जरा समझिए कि अपने को ये देखना है इस चैप्टर के अंदर कि डेटर्स जो अपना है, ये आपका डेटर्स है, उसको क्रेडिट देने का कि नहीं, वेदर टू अलाउ क्रेडिट और डू नॉट अलाउ क्रेडिट। अगर हम लोग क्रेडिट अलाउ करते हैं, उससे क्या होगा, योर इंक्रीज इन सेल्स। इंक्रीज इन सेल्स से क्या होगा, इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन। इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन सेल्स से इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन से इंक्रीज इन प्रॉफिट। लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है कि देर इज ए चांस ऑफ बैड डेट्स, आपका पैसा डूब भी सकता है। दिस इज अ वन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इज देर इज ए कलेक्शन एक्सपेंसेज। आपको अगर आपने किसी को क्रेडिट पे सेल किया है तो आपको कलेक्शन करने के भी लिए भी टाइम देना पड़ता है, उसको बोलते हैं कलेक्शन एक्सपेंस। थर्ड अपन इसको बोलते हैं कि सपोज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या अगर आपने लोन लेके बिजनेस किया है तो देर इज ए कॉस्ट ऑफ डेटर्स। कॉस्ट ऑफ डेटर्स ये आपका आ जाएगा, ओके? तो अगर आपने क्रेडिट अलाउ किया तो उससे क्या होगा, इंक्रीज इन सेल्स होगा, उससे इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, उससे इंक्रीज इन प्रॉफिट, बैड डेट्स हो जाएगा, आपका कलेक्शन एक्सपेंस लगेगा। नंबर 3, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ डेटर्स। अगर हम नहीं डू नॉट क्रेडिट, अगर आप नहीं देते क्रेडिट, डू नॉट गिव क्रेडिट, तो क्या होगा, आपका जैसा चल रहा है वैसे होगा, ना देर इज ए चांस ऑफ बैड डेट्स, ना देर इज ए चांस ऑफ कलेक्शन एक्सपेंस, ना देर इज ए कॉस्ट ऑफ डेटर्स। बट इंक्रीज इन सेल्स भी नहीं होगा, इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, और इंक्रीज इन प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो आप पूरा कैश में ही सेल्स करिए, या तो आपके पास ये है, या फिर आप क्रेडिट में करिए। तो अगर अपन क्रेडिट में, डेटर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि हम लोग कैश डिस्काउंट दें या हम लोग क्रेडिट पर सेल कर, अगर हम लोग क्रेडिट पर सेल करते तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि देर इज ए चांस ऑफ बैड डेट्स। कल को आपने सेल किया और कस्टमर ने आपका पैसा नहीं दिया तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि देर इज ए कलेक्शन एक्सपेंस, बराबर? आपने क्रेडिट सेल किया है, आपको डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा, बार बार फोन करेगा कस्टमर को, आपका बिल ड्यू है, पे करिए, ये करिए, वो करिए, तो देर इज ए कलेक्शन एक्सपेंस। एंड थर्ड, या तो आपने लोन लेके बिजनेस किया है, या फिर आपका खुद का ओन मनी है, राइट? तो यहां पे आपका लोन का इंटरेस्ट कॉस्ट होगा और यहां पे ये आपका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है, सुनो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को इंटरेस्ट, मान लो जैसे सपोज आपने 36 लाख का सेल किया और यू आर गिविंग 2 मंथ्स क्रेडिट, इसका मतलब आपका 6 लाख रुपीज ब्लॉक हो गया। अब 6 लाख रुपीज अगर आपका लोन ले रखा है तो आपको 6 लाख रुपीज पे क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और आपने खुद का पैसा लगाया है तो यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स अगर आप ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते तो आपको क्या मिलता था, आपको रिटर्न मिलता था, वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको कलेक्शन एक्सपेंस, कलेक्शन डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, उनकी सैलरी, डिपार्टमेंट का कॉस्ट, वो सब रहेगा। बैड डेट्स रहेगा, कल को सेल कर दिया आपने क्रेडिट पे और सामने वाले ने अगर आपको पेमेंट नहीं किया तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे कि आपका पैसा डूब जाएगा, बराबर? आपका पैसा डूब जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स, ओके? तो ये सारे कंसेप्ट आपको बराबर समझने हैं। बैड डेट्स है, कलेक्शन एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बाकी के अदर ऑल बी एक्सपेंसेस इसके कारण हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था दो अप्रोच हैं, एक है आपका इंक्रीमेंटल अप्रोच, एक है आपको टोटल अप्रोच। टोटल अप्रोच से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन ये जो है, ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोन का कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो आप देख लीजिए। इट मीन्स मीनिंग ऑफ दिस इज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, इसका क्या मीनिंग है, किसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगा, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। देखो इसके तीन रूल हैं। पहला यह है कि अगर आपको ब्रेकअप मिल रहा है तो आप खाली वेरिएबल कॉस्ट ले सकते हैं, प्लस आपका फिक्स्ड कॉस्ट ले सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेकअप अवेलेबल है तो यू टेक वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आपके पास ब्रेकअप अवेलेबल है, दिस इज ए ब्रेकअप, अगर आपके पास ब्रेकअप अवेलेबल है तो आप यू टेक वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अगर ब्रेकअप वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट का नहीं है तो यू टेक ओनली वेरिएबल कॉस्ट, राइट। और अगर आपको बिल्कुल ही ब्रेकअप नहीं है तो यू कैन टेक देन सेल्स फिगर। तो पहला मेथड आपका, पहला अगर ब्रेकअप है तो वेरिएबल प्लस फिक्स, ब्रेकअप नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट, और बिल्कुल ही ब्रेकअप नहीं है तो यू टेक सेल्स वैल्यू। सही है सुनो फ्रेंड्स, व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स अगर आपके पास ब्रेकअप है तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, अगर ब्रेकअप नहीं है सेकेंड वेरिएबल कॉस्ट ओनली, एंड थर्ड सेल्स फिगर। सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आपको बराबर से ध्यान देना। आर यू फॉलोइंग ऑन नोट फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर होना। ओके, पहला हम क्या ले लेंगे, दिस इज योर दिस वेरिएबल कॉस्ट, सेकेंड इज योर दिस, एंड थर्ड इज योर दिस। ये आपको जरा ध्यान रखना है, जैसे ही सम्स करूंगा तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा ये सब ना। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आप देख लीजिए कैसे स्टार्ट करना है एक एक चीज को ना। पहले में ब्रेकअप है तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट लेने का, ब्रेकअप में फिर वेरिएबल कॉस्ट लेने का या सेल्स फिगर लेने का, ठीक है। अब आप आ जाइए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12 एंड पेज नंबर 10.53। जिस हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको उसी हिसाब से रिवाइज करना है, राइट, क्योंकि इसमें एकदम जंबल्ड तरीके से एकदम दे रखा है, लेकिन यू गो सिस्टमेटिक तक। कंसेप्चुअली मैंने सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके आईसीआई मॉड्यूल के, लेटेस्ट आईसीआई जो मॉड्यूल है उसका जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से मैंने उनको अरेंज कर दिया है, और उस अरेंजमेंट से अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आपको इस यूनिट में क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 10.53। ओके, तो देखिए जरा, एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। ओके, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, दिस योर क्वेश्चन 12 चल रहा है, क्वेश्चन 12 पेज नंबर 10.53। ओके, एज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट, द सेल्स मैनेजर ऑफ ए कंपनी प्रपोजेस टू सेल्स गुड्स टू ए ग्रुप ऑफ न्यू कस्टमर विथ 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। ओके, इसका मतलब 10% आपका क्या हो जाएगा, आपका 10% हो जाएगा बैड डेट्स। दिस ग्रुप वुड रिक्वायर 1.5 month क्रेडिट, इट मीन्स आपका क्रेडिट कितना है, 1.5 month। दिस इज ऑल गिवन, समझने के लिए आप लिख लीजिए गिवन 1.5 month, एंड इज लाइकली टू इंक्रीज सेल्स बाई 1 lakh। अगर ऐसा आप करते हो 10% बैड डेट्स, 1.5 month आप क्रेडिट देते हो, आपका सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, सेल्स इंक्रीज बाय रुपीज से 1 lakh, सेल्स इंक्रीज बाय रुपीज 1 lakh। प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, इट मीन्स प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंस, एंड दिस कम्स टू 80%, प्रोडक्शन सेलिंग एक्सपेंस दिस कम्स टू 80%। इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट इज से 50%, इनकम टैक्स रेट इज से 50%, एंड द कंपनी का मिनिमम रिक्वायर्ड ROI कंपनी को चाहिए, और वो भी आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स उनको कितना चाहिए, 25%। शुड द सेल्स मैनेजर्स प्रपोजल बी एक्सेप्टेड, आपको एनालाइज करके बताना है। देखो आपका सेल कितना है 1 lakh, आपका
प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंस 80%। अब इसमें आपको ब्रेकअप नहीं दे रखा है, हाउ मच इज वेरिएबल, हाउ मच इज फिक्स। इसको पूरा की पूरा हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, इसको पूरा की पूरा हम लोग एज्यूम कर लेंगे इट्स ए वेरिएबल कॉस्ट। ओके, देन 1 लाख 1 लाख में से 80% चला जाएगा, आपको बचेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से आप माइनस करिए, 10% आपका बैड डेट्स चला जाएगा, तो आपको आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन यू पे टैक्स, राइट, देन यू पे 50% टैक्स, आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और उसको आप कंपेयर करिए कि आपका 25% रिटर्न शुड द मैनेजर प्रपोजल एक्सेप्ट, क्योंकि हमको रिक्वायर्ड आरओआई हमको मिनिमम कितना चाहिए, 25%। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप जरा देखिए, इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको दे रखा है सेल्स, सेल्स रुपीस 1 लाख, प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट 80%, कॉन्ट्रीब्यूशन 20,000 लेस बैड डेट्स, बैड डेट्स 1 लाख, 1 लाख का 10%, दिस कम्स टू 10,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000, टैक्स 50%, 5,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000, आरओआई, आरओआई कितना चाहिए फ्रेंड्स, 25%, राइट, ओके, रिफर नोट नंबर 1, योर नेट प्रॉफिट। सही है सर, सही है सर। नाउ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब आपका हो गया मेथड टू। मेथड वन मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट अगर आपके पास ब्रेकअप है। मेथड टू मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल कॉस्ट ओनली। और मेथड थ्री अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो सेल्स फिगर, इन्वेस्टमेंट डेटर्स, 80,000 का सेल्स है अपना, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है बोलो, 80,000, वी आर गिविंग 1.5 मंथ्स का क्रेडिट, इसका मतलब हमारा डेटर्स का फिगर हो जाएगा 80,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12 इज 10,000। हमारा डेटर्स का फिगर हो जाएगा 10,000, और 10,000 के ऊपर हमको रिटर्न चाहिए 10,000 का, एंड दिस इज 25% इज 2500, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 2500। सब पे करने के बाद भी आपका कितना रिटर्न हो जाएगा, सही है सुनो फ्रेंड्स, एक एक पार्ट को आप जरा समझ लीजिए। एज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट, एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट, द सेल्स मैनेजर ऑफ ए कंपनी प्रपोजेज टू सेल गुड्स टू ए ग्रुप ऑफ न्यू कस्टमर विद 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। इसका मतलब 10% हमारा क्या हो जाएगा, 10% हमारा क्या है, बैड डेट्स। दिस ग्रुप वुड रिक्वायर 1.5 मंथ क्रेडिट, अपना क्रेडिट पीरियड कितना हो जाएगा, 1.5 मंथ्स, 1.5 मंथ्स क्रेडिट, एंड इज लाइकली टू इंक्रीज सेल्स बाय 1 लाख, आपका सेल ये करने से कितने से इंक्रीज हो जाएगा,
1 लाख। प्रोडक्शन एंड सेलिंग अमाउंट 80% ऑफ द सेल्स, आपका प्रोडक्शन एंड सेलिंग कितना होगा 80% ऑफ द सेल्स, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा 20,000। बैड डेट्स 1 लाख का 10% आपको गिवन है, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा 10,000। देन यू पे टैक्स 5,000, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 5,000। आरओआई, आरओआई कितना 25%, नोट वन, इट मीन्स 10,000 × 25%। ये 10,000 हमने कैसे निकाला, बिकॉज वी आर गिविंग 1.5 मंथ क्रेडिट। मैंने आपको क्या बताया, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स के 3 रूल बताए थे। पहला रूल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट अगर आपके पास ब्रेकअप है, दूसरा अगर आपके पास ब्रेकअप नहीं है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर अगेन आप प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकते, ओके। सेकेंड, अगर आपको ब्रेकअप नहीं है तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट, बराबर। और अगर आपके पास बिल्कुल भी ब्रेकअप नहीं है, ना वेरिएबल कॉस्ट पता चल रहा है ना आपको फिक्स कॉस्ट पता चल रहा है, अगर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट पता चल रहा है तो मेथड वन, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, नहीं पता चल रहा है तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट भी ले सकते हैं। और अगर अपने को सेल्स का ब्रेकअप नहीं पता है तो यू टेक ओनली सेल्स फिगर, लेकिन फिर भी उसके बाद इस तरह का नोट हम दे देंगे, अज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स इक्वल टू 80,000, 1.5 मंथ का है, इट मीन्स आपका डेटर्स का कितना हो जाएगा 10,000। इसका मतलब 10,000 पे आपको कितना रिटर्न चाहिए, 25% चाहिए, 2,500 आ रहा है 5,000, इसका मतलब क्या हो गया 2,500 आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। सही है सन ऑफ फ्रेंड्स। अब क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो कंप्यूट द डिग्री ऑफ रिस्क फॉर नॉन पेमेंट दैट द कंपनी शुड बी विलिंग टू एज्यूम दैट इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स 30%, 40% एंड 60%। ये क्या बोल रहे हैं कि हमको अब, पहले उनको आरओआई कितना चाहिए था, पहले उनको आरओआई चाहिए था 25%, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको आरओआई चाहिए व्हाट परसेंटेज, वी वॉन्ट 40% एंड वी वॉन्ट 60%। अगर हमको ये आर ओ आई चाहिए, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होना चाहिए, ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए, तो हम लोग कितने परसेंट बैड डेट्स अलाउ कर सकते हैं। अब रिवर्स चलना है आपको, आपका इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स नो चेंज है, इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है 10,000 और 10,000 के ऊपर आपको रिटर्न कितना चाहिए 30%, ओके। इसका मतलब आपका प्रॉफिट होना चाहिए 3,000, आपका प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स क्या आना चाहिए 3,000। ये बोल रहा है 10,000 का होना चाहिए 40%, इट मीन्स दिस कम्स टू 4,000 एंड 4,000, 10,000 इंटू 60% आपका 6,000 एंड 6,000, ठीक है। इसका मतलब अगर ये आपका, बिकॉज टैक्स रेट 50% है, इसका मतलब आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा 3,000, यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा 4,000, यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा 6,000, तो आपका ये हो जाएगा 6,000, ये आपका हो जाएगा 8,000 और ये आपका हो जाएगा 12,000। सेल्स आपका सेम रहने वाला है, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट आपकी रहने वाली है 80,000, वेरिएबल कॉस्ट आपकी रहने वाली है 80,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट आपकी रहने वाली है 80,000। ये आपका आ जाएगा 20,000, ये आपका आ जाएगा 20,000 और ये आपका आ जाएगा 20,000। सही है सुनो फ्रेंड्स, बाकी का जो बैलेंसिंग बचेगा इतना हम लोग उसको बैड डेट्स अलाउ कर सकते हैं। इसका मतलब 14,000 कर सकते हैं अलाउ, देन 12,000 अलाउ कर सकते हैं एंड देन 8,000 अलाउ कर सकते हैं। सही आंसर आपका ये देखिए 10,000 आप बोल रहे हो मुझे रिटर्न चाहिए 30%, इट मीन्स 3,000, 10,000 आप बोल रहे हो रिटर्न चाहिए 40% मीन्स 4,000, 10,000 रिटर्न चाहिए 60% इट मीन्स 6,000, सो 3,000 आपका मिनिमम होना ही चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिकॉज 50% टैक्स है, तो ये 3, ये 4, ये 6, ये 6, ये 8, ये 12। सेल्स आपका सेम रहने वाला है, सेल्स आपका सेम, कॉस्ट आपका सेम,
कंट्रीब्यूशन आपका सेम। बैलेंसिंग फिगर हम लोग क्या दे सकते हैं, बैड डेट्स। इसका मतलब ये केस में 14,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख हम लोग 14% तक बैड डेट्स अलाउ कर सकते हैं, ये केस में बैड डेट्स हम 12% तक अलाउ कर सकते हैं, और ये केस में हम लोग 8% तक। ये 8,000, ये आपका 12%, 12,000 और ये आपका 14%, ये तीनों हम लोग बैड डेट्स अलाउ कर सकते हैं। सही आसान है फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये केस में हम लोग 14% अलाउ कर सकते हैं, ये 12 कर सकते हैं, 8, क्योंकि हमको जो प्रॉफिट चाहिए वो उतना मिल रहा है कंट्रीब्यूशन में से, हम जो प्रॉफिट हमको जितना चाहिए उतना माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उतना बैड डेट्स हम लोग अलाउ कर सकते हैं। सही है सुनो, तो आप बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑल्सो कंप्यूट द डिग्री ऑफ रिस्क फॉर नॉन पेमेंट दैट द कंपनी शुड बी विलिंग टू एज्यूम इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 30%, 40% एंड 60%। सही है सुनो फ्रेंड्स, बताइए दिस क्लियर और नॉट? परफेक्टली क्लियर और नॉट? अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर इलस्ट्रेशन 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड पेज नंबर 10.24 के बाद वाला है, ये 10.24 के बाद वाला है इलस्ट्रेशन 17, पेज नंबर 10.24A। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 17, पेज नंबर 10.24A। ए कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग ए क्रेडिट सेल्स ऑफ 12 लाख। इसका मतलब एट प्रेजेंट कंपनी का कितना सेल है, कंपनी का सेल्स है रुपीस 12 लाख। एट प्रेजेंट कंपनी का सेल कितना है, एट प्रेजेंट कंपनी का सेल्स है 12 लाख। द एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स आर 1/10 net 1/10 net 1/10 net 45। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 1/10 net 45। अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 1%। अदरवाइज यू कैन मेक द पेमेंट इन 45 डेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो देर इज ए डिस्काउंट ऑफ 1%, अदरवाइज यू कैन मेक द पेमेंट इन 45 डेज। एट प्रेजेंट हमारा सेल कितना है, रुपीज 12 लाख। एवरेज कलेक्शन पीरियड, अब कुछ लोग कभी देते हैं, कुछ लोग कभी देते हैं, तो हमारा एवरेज कलेक्शन, हमारा एवरेज जो ब्लॉक अमाउंट हो जाता है, एवरेज कलेक्शन एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा कितना है, से 30 डेज। द करेंट बैड डेट्स लॉस, इट मींस करेंट बैड डेट एंड करेंट बैड डेट इज 1.5%, करेंट बैड डेट 1.5%। इन ऑर्डर टू एक्सेलेरेट द कलेक्शन प्रोसेस फर्दर एज ऑल्सो इंक्रीज सेल्स, द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग लिबरलाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स टू 2/10 not 45। वो बोलते नहीं, हमारा प्रपोज्ड है 2/10 net 45। इट मींस हम लोग आपको लिबरल देते हैं, 2% डिस्काउंट देंगे 10 डेज में, नहीं तो आप 45 डेज में पेमेंट कर दीजिए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेल्स लाइकली टू इंक्रीज 1/3 ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल्स। हमारा एग्जिस्टिंग सेल्स कितना है, 12 लाख, तो हमारा सेल कितने से, 1/3 से बढ़ जाएगा, 1/3 ऑफ 12 लाख। इट मींस 4 लाख से सेल और बढ़ जाएगा, तो हमारा सेल हो जाएगा टोटल 16 लाख। सही है सुनो फ्रेंड्स, 16 लाख, 1/3 बैड डेट्स 2%, 1/3 ऑफ एग्जिस्ट बैड डेट्स इंक्रीज 2% ऑफ द सेल्स, इंक्रीज टू 2%। इट मींस पहले हमारा बैड डेट्स कितना था, 1.5, अब हमारा हो जाएगा 2% ऑन सेल्स, हमारा बैड डेट्स हो जाएगा
2% ऑन सेल्स। कलेक्शन टाइम हमारा 30 डेज था, अब कलेक्शन टाइम हमारा हो जाएगा 20 डेज। कलेक्शन टाइम कितना हो जाएगा 20 डेज। द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऑफ द कंपनी इज 22%। इसका मतलब ये आपका सेल्स, देखो आ गया कॉस्टिंग की नहीं, क्या बोल रहे हैं, द कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स, याद है उसको क्या बोलते थे, पीवी रेशियो। इट मीन्स आपका पीवी रेशियो 22%, ये आपका सेल्स 100%, 100 माइनस 22 इज 78%। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले कॉस्टिंग कर लीजिए, आप कॉस्टिंग करने के बाद ही एफएम के लेक्चर में बैठिए। 78% पीवी रेशियो एंड दिस इज 100%, ओके इन्वेस्टमेंट। और क्या बोल रहे हैं, सेल्स रेशियो 20 एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15% प्री टैक्स। इट मींस आपका प्री टैक्स रिटर्न है 15%, प्री टैक्स रिटर्न है आपका 15%, आपका प्री टैक्स रिटर्न है 15%, तो आपको प्री टैक्स है, टैक्स आपको भरना पड़ेगा 30%, राइट। इट मींस 15 × 0.3 = 4.5, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 15 − 4.5 = 10.5%, सही आसान हो गया। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको चाहिए 15%, टैक्स रेट है 30%, 10.5% आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ठीक है। 15% प्री टैक्स, 50% एंड 80% ऑफ द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवेल द कैश डिस्काउंट। यहाँ पे कैश डिस्काउंट कितने लेते हैं, 50% लोग। यहाँ पे कैश डिस्काउंट कितना ले रहे हैं, 80% लोग, राइट। कस्टमर इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आर एक्सपेक्टेड टू अवेल द कैश डिस्काउंट अंडर एग्जिस्टिंग लिबरलाइजेशन स्कीम रेस्पेक्टिवली, द टैक्स रेट इज 30%। एडवाइज शुड द कंपनी चेंज इट्स क्रेडिट टर्म्स, एजम 360 डेज आपके पूरे साल में अवेलेबल है, 360 डेज आपके पूरे साल में अवेलेबल है, सही है सुनो फ्रेंड्स, आपको बताना है। शुड द कंपनी चेंज इट्स क्रेडिट टर्म्स, पहला आपका ये था, अब आपका ये हो जाएगा। तो अगर आप गिवन करके इस तरह से लिख लोगे ना, तो आपको काफी क्वेश्चन एकदम इजी लगने लगेगा, एकदम सिंपल लगने लगेगा। सो इट्स माई दिस यू नो एडवाइस टू यू कि प्लीज आप पहले लिख लीजिए कि आपको क्या क्या दे रखा है करके ना, गिवन करके अगर जो जो आपको दे रखा है तो आपका काफी इजी हो जाएगा, सही है सुनो फ्रेंड्स, अगर आपको गिवन करके दे रखा है ना तो आपका काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स दिस इज योर, अब आप आ जाइए, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रपोजल, प्रपोज्ड स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रपोजल प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड, सही है सुनो। ए कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग क्रेडिट सेल्स ऑफ 12 लाख। इट मींस आपका टोटल सेल्स है, आपका टोटल सेल्स है 12 लाख। गो वेरी आराम से। हाँ, ए कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग क्रेडिट सेल्स ऑफ 12 लाख। ये आपका ICI का जो लेटेस्ट मॉड्यूल है उसके मैं डायरेक्टली सम्स आपको करा रहा हूँ, और इसको मैंने नाम दिया क्रैश कोर्स फ्रॉम ICI मॉड्यूल। आपका पूरा जो लेटेस्ट ICI मॉड्यूल है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कवर करने का, ओके। सो इट्स अ क्रैश कोर्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स 12 लाख, द
एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स 1/10 नेट 45, 1% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन में पेमेंट करता है, नहीं तो 45 डेज में पेमेंट कर सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड कुछ लोग कभी देते हैं कुछ कभी देते हैं, इट मीन्स 30 डेज। द करेंट बैड डेट्स लॉसेज 1.5% इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द कलेक्शन प्रोसेस फर्दर एज ऑल्सो टू इंक्रीज द सेल्स द कंपनी इज कॉन्टम्पलेटिंग लिबरलाइजिंग ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स 2/10 नेट 45। पहले 1/10 नेट 45 था, 2/10 नेट 45 हो गया। ओके उससे क्या होगा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेल्स आर लाइकली टू इंक्रीज बाय 1/3। इट मींस 12 लैक्स प्लस 1/3 ऑफ 12 लैक्स 16 लैक्स। ओके 1/3 ऑफ दिस द बैड डेट्स इंक्रीज टू 2% एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड 20 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा 20, बैड डेट्स हो जाएगा 2%। द कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, इट मीन्स आपका वेरिएबल कॉस्ट, इट मीन्स आपका वेरिएबल कॉस्ट, ओके 100 माइनस 22% ऑफ 12 लैक्स, क्योंकि 22% आपका ये है ना, 100 माइनस 22% ऑफ 16 लैक्स, ये आपका हो जाएगा एंड आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 22%। बराबर, सो 12 लैक्स इंटू 22% इज 264, और बाकी का आपका हो जाएगा 9 लैक 36, ये आपका हो जाएगा 16 लैक्स इंटू 22% इज 3 लैक 52, वेरिएबल कॉस्ट 12 लैक 48,000 से, यस सर, 9 36 एंड 12 48 लेस बैड डेट्स, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप अपने को नहीं दे रखा। बैड डेट्स, बैड डेट्स बोल रहा है करंट बैड डेट्स था 1.5%, इट मींस 1.5% ऑफ 12 लैक्स एंड प्रपोज्ड आपका हो जाएगा 2% ऑफ 16 लैक्स, राइट। इट मीन्स 12 लैक्स इंटू 1.5% इज 18,000, और ये 16 लैक्स इंटू 2% इज 32,000। बैड डेट्स आपका हो गया। ओके देन कैश डिस्काउंट, अब कैश डिस्काउंट कितने, 50% लोग ले रहे हैं कैश डिस्काउंट, इट मींस 12 लैक्स इंटू 50% इंटू 1% और 16 लैक्स इंटू 80% इंटू 2%। टर्म्स दे रखा ना फ्रेंड्स अपने को, आपको 2/10, पहले आपका था 1/10, 50% ले रहे थे अब 80% लेंगे, ठीक है। इट मीन्स 12 लैक्स इंटू 50% इंटू 1% इज 6,000 एंड 16 लैक्स इंटू 80% इंटू 2% इज 25,000 25,600 से, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इट मींस 264 माइनस 18,000 माइनस 6,000 इज 2,40,000,
352 माइनस 32 माइनस 25,600 294 400, दैट्स टैक्स। टैक्स कितना लगेगा फ्रेंड्स? 30%, और ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,40,000 इंटू 30%, 72, 1,68,000, ये आ जाएगा 294 400 इंटू 30%, 88, 320 माइनस करके 206 080। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? बताइए आप मुझे। सेल्स 12 लैक्स, 12 लैक्स, 1/3 और बढ़ रहा है आपका, 16 लैक्स हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 100 माइनस 22 पीवी रेशो है उसका 12 लैक्स, 936। 100 माइनस 22 करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, ये आपका कंट्रीब्यूशन। बैड डेट्स 1.5% था करेंट, और प्रपोज्ड हो जाएगा 2%। कैश डिस्काउंट 50% को 1% एंड नाउ 80% को 2%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ जाएगा 30% आपका टैक्स है, और ये आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही है सोना फ्रेंड। और अब आपको क्या चाहिए? आपको रिटर्न चाहिए, राइट? क्या बोल रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपका। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अगर इफ यू आर लूजिंग एनी अपॉर्चुनिटी, जब फाइनल सीए में आओगे, कॉस्टिंग में आपको सिखाएंगे, 11 कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इफ यू आर लूजिंग एनी लॉस बाय टेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन, इफ यू आर लूजिंग एनी मनी बाय टेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे सपोज आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बराबर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो ये टाइम पे आप किसी सीए के यहाँ काम भी कर सकते थे। वो सीए आपको जो पैसे देता काम करने के, वो पैसा तो आपका गया ना। इसका मतलब अगर हमने फंड अपना यहाँ पे बिजनेस में लगा दिया तो इस फंड पे हम लोग कमा सकते थे। कितना कमा सकते थे? 15% प्री टैक्स, इट मीन्स आफ्टर टैक्स 10.5%, क्योंकि 30% टैक्स। पर अभी अपन कितना कमा रहे हैं वो देखेंगे, कंपेयर करेंगे करके। ये पैसे को अगर मैं कहीं और लगाऊंगा तो 10.5% के हिसाब से कमा सकता हूँ। तो क्या मैं कमा रहा हूँ क्या? नहीं कमा रहा हूँ, बराबर, वो देखना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी लॉस। सही है सोना फ्रेंड्स। ओके, इट मीन्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 15% का 70%, क्योंकि 30% टैक्स निकल जाएगा, इनटू इनटू योर 9,36,000, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका है 30 बाय 360। 15% का 70%, क्योंकि 30% टैक्स निकल जाएगा, इनटू इनटू मैंने क्या बताया था, 12,48,000, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप नहीं है। फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप नहीं है तो अपन क्या करेंगे? तो अपन ओनली वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, ठीक है। 15 70% ऑन 1248 इंटू इंटू इसको कितना एवरेज टाइम लग रहा है? इसको एवरेज टाइम लग रहा है 20 डेज, तो 20 बाई 360, इट मीन्स 9,36,000 इंटू 10.5% इंटू 30 बाई 360 इज 8,190। 8,190 और 12,48,000 इंटू 10.5% इंटू 20 बाई 360 इज 7,280। बाकी का जो बचेगा दैट इज योर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 168 माइनस 8,190, 159,810, 159,810,
159 यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपन, 159810 यहाँ पे आ रहा है, और इसमें आएगा आपका 206080 माइनस 7280 198 800, दिस इज 198 800, 198 800, सही आंसर, परफेक्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है 159, यहाँ पे क्या आ रहा है 198 800, सही आंसर। एडवाइज शुड द कंपनी चेंज इट्स क्रेडिट टर्म्स, आंसर इज यस, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है 198 800, ओके। पहले हमारा आ रहा था 159, अब हमारा है 198, यस वी शुड गिव द क्रेडिट, सही है सुनो, हमें क्रेडिट देना चाहिए। सही है सुनो, बोलिए, एकदम क्लियर हो रहा है आपको फ्रेंड्स, बताइए। 15% बिफोर टैक्स है तो 30% टैक्स निकल जाएगा, तो इसका 70% ले लिया। इन्वेस्टमेंट हमारा, मैंने क्या बोला आपको, अगर ब्रेकअप नहीं है तो ओनली यू कंसीडर वेरिएबल कॉस्ट, ओनली यू कंसीडर वेरिएबल कॉस्ट, सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर हो ना, क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। अभी तक अपन क्या कर रहे हैं, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स, बोलो प्रॉपर, इसका मतलब वी शुड गिव द, वी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल, मतलब अपने को न्यू वाला क्रेडिट पॉलिसी लेना चाहिए, क्योंकि पुराने वाले में अपने को कम प्रॉफिट हो रहा है, सही आसान होगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो पहले हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था 159810, और अब हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 198800, इट मीन्स अवर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, सो वी शुड गो फॉर द प्रपोज्ड पॉलिसी, ओके। नेक्स्ट आप आ जाइए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 16 आप जरा ले लीजिए, इलस्ट्रेशन 16 एंड पेज नंबर 10.24, इलस्ट्रेशन 16 पेज नंबर 10.24, एक्स वाई जेड कॉरपोरेशन इज कंसिडरिंग रिलैक्सिंग इट्स प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग टू प्रपोज्ड पॉलिसीज, करेंटली द फॉर्म हैज एनुअल क्रेडिट सेल्स ऑफ 50 लैक्स, इसका मतलब एट प्रेजेंट उनका सेल कितना है 50 लैक्स, ओके, एंड अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज 4 times, ये होता है टर्नओवर डिवाइडेड बाय रिसीवेबल इज 4 times, इट मींस अगर आपका 50 लाख का सेल है डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब आपके डेटर्स कितने हुए 12,50,000, दिस इज योर डेटर्स, डेटर्स आपके कितने होंगे 12,50,000, इट मींस 50 लाख डिवाइडेड बाय 12,50,000, आपका डेटर्स टर्नओवर रेशो होगा 4 times, वो आपको हम लास्ट में सिखाएंगे रेशो एनालिसिस के टाइम पे, थोड़ा सा यूज है। डेटर्स टर्नओवर या रिसीवेबल टर्नओवर इज 4 times, द करेंट लेवल ऑफ लॉस ड्यू टू द बैड डेट्स इज 1,50,000, करेंट अपना बैड डेट्स है ₹1,50,000, द फर्म इज रिक्वायर टू गिव ए रिटर्न 25% ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI आपका है 25%, ROI आपका है 25% ऑन न्यू अकाउंट्स रिसीवेबल, द कंपनी वेरिएबल कॉस्ट इज 70% बराबर ऑन सेलिंग प्राइस, इसका मतलब आपके पास फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो आपको मेथड नंबर 2 लेना पड़ेगा। मेथड पहला क्या था, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स हम लोग लेंगे, बोलो पहला मेथड मैंने क्या बताया था, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, अगर नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट, और अगर कुछ भी नहीं है तो सेल्स वैल्यू, तो मेथड 2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं है, ओके। आइडेंटिफाई विच इज द बेटर ऑप्शन, प्रेजेंट
पॉलिसी वन और पॉलिसी टू, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रपोजल। प्रेजेंट ऑप्शन वन ऑप्शन टू। सेल्स एट प्रेजेंट हमारा सेल क्या है, ऑल इन रुपीज इज 50 लैक्स, राइट। देन 60 लैक्स एंड 67.50 माइनस वेरिएबल कॉस्ट विच इज 70%। 50 लैक्स का 70%, 60 लैक्स का 70%, 67.50 का 70%, आपका क्या आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। सही है सोना फ्रेंड्स, इट मीन्स, या फिर आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, एक कॉलम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेस 35 लैक्स, 60 का 42 लैक्स, 67.50 का 70%, 47,25,000। ओके, फिक्स कॉस्ट अपना नहीं है, बैड डेट्स। बैड डेट्स आपको क्या दे रखा है, वन लैख 50,000। बैड डेट्स आपको देखा है 3 लैक्स एंड बैड डेट्स दे रखा है 4,50,000। उसके बाद आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये चैप्टर फ्रेंड्स एकदम हलवा है, आपके पॉकेट में है पूरा मार्क्स इनके ना। ओके, दिस इज योर नेट प्रॉफिट। ओके, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स इक्वल टू मेथड टू ओनली वेरिएबल कॉस्ट। टोटल अप्रोच से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। बोलिए फ्रेंड्स, इज दिस क्लियर? ये आपका सेल्स था, सेल्स दे रखा है, 70% आपका वेरिएबल कॉस्ट है, मल्टीप्लाई किया आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया, बैड डेट्स आपके आ गए, बराबर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए यू कैन रेफर नोट वन सो दिस इज योर नोट नंबर वन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स हम लोग क्या ले लेंगे, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो कैसे निकालेंगे, पहले वाले का इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 35 लैक्स, बराबर 35 लैक्स है ना, इसका वेरिएबल कॉस्ट 42 लैक्स, इसका वेरिएबल कॉस्ट 42.75, बराबर। और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमको दे रखा है 4 टाइम्स, ये दे रखा है 3 टाइम्स, ये दे रखा है 2.4, या फिर आप ऐसे ले लीजिए, ये दे रखा है आपको
फोर टाइम्स, ये आपको दे रखा है थ्री टाइम्स, और ये आपको दे रखा है 2.4 टाइम्स, बराबर। ये अपन निकाल लें, इट मीन्स 35 लैक्स डिवाइडेड बाई 4 इज 8 लैक 75 का डेटर्स हो गया आपका। ये आपका आ गया डेटर्स का फिगर। डेटर्स या इसको रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। 42 लैक्स डिवाइडेड बाई 3 इज 14 लैक्स, एंड 4275 डिवाइडेड बाई 2.4 इज 1781,250। ओके ओके, 35 लैक्स डिवाइडेड बाई दिस। अब इसके ऊपर आपको चाहिए रिटर्न। यू वॉन्ट अ रिटर्न ऑफ, द फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू गिव ए रिटर्न 25%। सो 25%, 25%, 25%, इट मीन्स 875 इंटू 25% 218,750, 218,750, 14 लैक्स इंटू 25% इज 3,50,000, एंड 1781,250 इंटू 25% इज 445, 42 लैक, 47,25,000, सॉरी, दिस इज 47,25,000 डिवाइडेड बाई 2.4 टाइम्स, डेटर्स का फिगर आ जाएगा 4725 डिवाइडेड बाई 2.4 1968,750, 1968,750, एंड उसके ऊपर वी आर चार्जिंग 25%, 492,188, 492,188, 218,750, 350, इट मीन्स 50 लैक्स माइनस 35 लैक्स माइनस 1,50,000 218,750 इज 1,131,250, 60 लैक्स माइनस 42 लैक्स माइनस 3 लैक्स माइनस 350 इज 1,150, 1,150, 6,750 माइनस 4,725 माइनस 4,50,000, 15,75,000 माइनस 492,188, 1,082,812, 67,50,000, 67,50,000 माइनस 4,725 माइनस 4,50,000 माइनस 492,188, 1,082, 10 10 82 812,
सही है, सुनो तो विच वन इज द बेस्ट, इसमें 1131 आ रहा है, इसमें 10, इट मीन्स ऑप्शन टू इज द बेस्ट, इट मीन्स वी विल प्रेफर ऑप्शन टू, ऑप्शन टू इज द बेस्ट। सही है सुनो फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो, ऑप्शन टू इज द बेस्ट, परफेक्टली क्लियर होना बोलो। प्रॉपर फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए इलस्ट्रेशन 15 पेज नंबर 10.22, इलस्ट्रेशन 15 पेज नंबर 10.22। इलस्ट्रेशन 15 पेज नंबर 10.22, ए ट्रेडर हुज करेंट सेल्स आर इन रीजन 6 लैक्स पर एनम एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज वॉन्ट्स टू परस्यू अ मोर लिबरल पॉलिसी इम्प्रूव सेल्स, स्टडी मेड बाई ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिवील्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट पॉलिसी ए बी सी डी, अगर ए 10 दिन से अगर बढ़ाते हैं, पहले हमारा 30 था, अभी अगर 40 डेज कर देते तो सेल्स इंक्रीज होगा 30,000 से, प्रजेंट हमारा जो डिफॉल्ट था वो हो जाएगा 1.5% से, ठीक है। बी में 20 डेज से बढ़ेगा 48,000, 2% से बैड डेट्स बढ़ जाएगा 30 डेज 75,000, 33% से 45 डेज 90,000, 4% सेलिंग प्राइस 3, एवरेज कॉस्ट 2.25, वेरिएबल कॉस्ट 2, द करेंट बैड डेट्स इज 1%, द करेंट बैड डेट्स इज 1%, रिक्वायर्ड रिटर्न एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 20%, एज्यूमिंग 360 डेज, एनालाइज विच ऑफ द अबव पॉलिसी वुड यू रिकमेंड, राइट। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट क्या है। देखो, आपका सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है ₹3 बराबर, और आपका एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट आपको दे रखा है ₹2.25, जिसमें आपका वेरिएबल कॉस्ट है 2 एंड फिक्स कॉस्ट है 0.25 बराबर, 0.25 ऑफ 6 लैक्स, इट मीन्स 6 लैक्स इंटू 0.25 एंड योर सी व्हाट इज दिस गिवन, योर सेलिंग प्राइस इज 3, योर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज 2.25 पर यूनिट वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वेरिएबल ₹2 पर यूनिट एंड दिस इज 6 लैक्स डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स आपका 2 लैक यूनिट्स एट प्रेजेंट हम लोग सेल कर रहे हैं, 2 लैक इंटू 0.25, तो 2 लैक इंटू 0.25 50,000 आपका क्या हो जाएगा, इज ए फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपका क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। सही है सुनो, एट प्रेजेंट हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है 2, फिक्स कॉस्ट कितना है 0.25 इंटू 2 लैक यूनिट्स, तो 50,000 ये रिमेन फिक्स्ड आपका रहने वाला है, ठीक है, ये रिमेन आपका क्या रहेगा, इट्स ए फिक्स्ड कॉस्ट ओनली। सही है सुनो, ओके। अब आप देख लीजिए, आपके पास ए बी सी डी 4 हैं और एट प्रेजेंट है, ठीक है, इट मीन्स सॉल्यूशन आपको दे ही रखा है, इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस,
प्रेजेंट, ओके, एंड क्रेडिट पॉलिसी ए बी सी एंड डी, बराबर। सबसे पहले आपका सेल्स 6 लैक्स, अब ये कितने से बढ़ जाएगा, 30,000। ये पहले आप क्रेडिट पीरियड भी ले लेते हैं, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड एट प्रेजेंट क्या था, 30 डेज, अब हो जाएगा 30 + 1, 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज, 75 डेज। पहले आपका क्या था बोलो, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस, राइट। प्रेजेंट आपका क्या था, 30 डेज, ए 40 हो जाएगा, बी 50 हो जाएगा, सी 60 हो जाएगा और डी 75 हो जाएगा। देन सेल्स, सेल्स 6 लैक्स, सेल्स 6 30, 6 48, 6 75, 6 90, सही आंसर। लेस वेरिएबल कॉस्ट 2 out of 3, 2 rupees out of 3 इंटू 6 लैक्स, 2/3, 6 30, 2/3, 6 48, 2/3, 6 75, 2/3, 6 90। ऑलराइट, ये है। लेस फिक्स कॉस्ट, अभी अपन ने निकाला था 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 एंड 50,000। लेस बैड डेट्स, क्या आएगा बैड डेट्स, पहला 6 लैक्स इंटू 1%, 6 लैक्स 30 इंटू 1.5%, 6 लैक्स 48 इंटू 2%, 6 लैक्स 75 इंटू 3%, और 690 इंटू 4%। इट मीन्स 6 लैक्स इंटू 1% इज 6,000, 6 लैक्स 30 इंटू 1.5% 9,450, 6 48 इंटू 2% 12,960 एंड 6 75 इंटू 3% 20,250, 6 लैक्स 90 इंटू 4% 27,600। सही है, सुनो, वेरिएबल कॉस्ट 6 लैक्स इंटू 2/3 इज 4 लैक्स, 6 30 इंटू 2/3
वो 2648 इंटू 2/3 और 32675 इंटू 2/3 और 5690 इंटू 2/3 और 6। सही है, सुनो। ओके एंड लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसने बोला है ना, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20%। इट मीन्स आप इसको आरओआई भी बोल सकते हो। इट मीन्स आरओआई, आप इसको आरओआई बोलिए, जो बचेगा वो आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ओके, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ये आपका सेल्स आपको दे ही रखा था फ्रेंड, 6। अगर हम 30 से 40 करते हैं 630 हो जाएगा, 30 से 50 करते हैं 648, 30 से 60 करते हैं 675, 30 से 75 करते हैं 690। 2/3 आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। 2/3 इज ए वेरिएबल कॉस्ट, नो प्रॉब्लम। फिक्स कॉस्ट मैंने आपको निकाल के बताया था नोट नंबर 1 में, ठीक है। बैड डेट्स परसेंटेज से सिंपली आपने मल्टीप्लाई किया, सेल से आपका क्या आ जाएगा, बैड डेट्स। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स इक्वल टू आरओआई निकालने के लिए, ओके इट मीन्स कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, पहला 30 डेज है, इट मीन्स प्रेजेंट, दिस इज योर इन प्रेजेंट केस। प्रेजेंट केस में कितना है आपका, 4 लाख वेरिएबल कॉस्ट है, बोलो 50,000 फिक्स कॉस्ट है, इंटू 30 बाई 360 इंटू 20%। बोलो यार सुनो, 4,50,000 इंटू 30 बाई 360 इंटू 20%, इट मीन्स 7,500। सही है सुनो फ्रेंड, ओके ये आपका क्या आ जाएगा, 7,500। सिमिलरली सेकेंड में आपको क्या बोल रहे हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स हो गया फ्रेंड्स। अब आप आ जाइए सेकेंड में, इट मीन्स ए पॉलिसी, पॉलिसी ए, व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट, 420 एंड व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट, 50। इट मीन्स 420 प्लस 50 इंटू 40 बाई 360 इंटू 20%, 4,70,000 इंटू 40 बाई 360 इंटू 20% इज 10,44,444। इट मीन्स 10,444। 420 आपका, 420 आपका ये था फ्रेंड्स वेरिएबल कॉस्ट, 420 फिक्स कॉस्ट, 50 40 360 20% ये आ गया। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स बी पार्ट में, बी पार्ट, बी में क्या बोल रहा है, 432 प्लस 50 50 बाय 360 इंटू 20%, इट मीन्स 432
इंटू 50/360 इंटू 20% इज 13389, 13389, इट मीन्स 13389, 13389। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, बी हो गया अपना, अब बचा सी। सी में क्या है, 450 + 50 इंटू 60/360 इंटू 20%, 450 + 50 इंटू 60/360 इंटू 20%, 16666.67, 16667, then 16667, then आपका लास्ट है डी, इज 460 + 50 इंटू 75/360 इंटू 20%, 460 + 50 इंटू 75/360 इंटू 20%, 21250, 21250। ये आपको क्लियर हुआ करें। इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स हम लोगों ने क्या लिया है, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स हम लोगों ने लिया है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ब्रेकअप अपने को दे रखा। अब इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, राइट। ये आपका एक पार्ट प्रॉफिट, इट मींस प्रॉफिट आप निकाल लीजिए, दिस इज 6 लैक्स माइनस 4 लैक्स माइनस 6000 माइनस 50000 माइनस 7500, 136500, दिस इज 136500, 6 लैक्स 30 माइनस 4 लैक 20 माइनस 50 माइनस 10 10 44 माइनस 9450, 140106, देन 648 माइनस 432 माइनस 50 माइनस 13389 माइनस 12960, 139651, देन 675 माइनस 450 माइनस 50 माइनस 16667, 150 माइनस 2215, 138083, 138083, 6 lakhs 90 माइनस 4 lakhs 60 माइनस 50 माइनस 27600 माइनस 21250, 131150, 136500, 140106, 139651, 138, एंड बेस्ट अपना जो रहेगा वो क्या रहेगा, 140106, 140106। सही है, सुनो फ्रेंड्स, ये आपका किस कंसेप्ट पे था, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, और मैं कराता हूँ इसी कंसेप्ट पे आपको ना, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये आपका 15 था फ्रेंड्स। इलस्ट्रेशन 19 जरा आप देखो, इलस्ट्रेशन 19 एक बार देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 19। इसका मतलब हमें किस में जाना चाहिए, वी शुड एडॉप्ट ए पॉलिसी फॉर 40 डेज क्रेडिट, तो वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट, वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट। सही है सुनो, वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट।
अब आप आ जाइए, दिस इज योर इलस्ट्रेशन आपका है, इलस्ट्रेशन 19, इलस्ट्रेशन 19 12.26, इलस्ट्रेशन 19 12.26 लिमिटेड हैज करेंट सेल्स ऑफ 15 लैक्स, उसका करेंट सेल्स क्या है 15 लैक्स। दिस इज ऑल गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन करके लिख दोगे तो आपको काफी इजी रहेगा। 15 लैक कॉस्ट ऑफ सेल्स, इट मींस आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 75% सेल्स। बैड डेट्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स इन 75% सेल्स एंड बैड डेट्स आर 1%, बैड डेट आपका है 1%। कॉस्ट ऑफ सेल्स 80% वेरिएबल 20% फिक्स, अब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आएगा उसमें से 80% वेरिएबल है, 20% आपका फिक्स्ड है, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आएगा, ठीक है। इसका मतलब 15 लैक्स का 80% करेंगे, 15 लैक्स का 75 करो और उसका 80% करो, 15 लैक्स का 75 करो और उसका, इट मींस अगर आपको निकालना है तो 15 लैक्स इंटू 75 इंटू 80% करेंगे तो आपका क्या आएगा वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट आएगा 15 लैक्स इंटू 75% इंटू 20%, इट मींस योर 15 लैक्स इंटू 80% इंटू 0.75, दिस कम्स टू 9 लैक्स रुपीज़ आपका ये आएगा, ओके। और 15 लैक्स इंटू 0.75 इंटू 0.20 आपका 2,25,000 आपका ये आएगा, ये आपका फिक्स रहेगा, ये आपका वेरिएबल रहेगा, ठीक है। 80% 20% वाइल द कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, ROI इनको चाहिए, ROI चाहिए एट द रेट ऑफ 12%। करेंटली अलाउ 30 डेज क्रेडिट, करेंट टर्म्स है अपना क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर 30 डेज, कंसिडरिंग इंक्रीजिंग दिस 60 डेज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स, इसको 30 को क्या कर रहे हैं 60 डेज। It has been estimated that the this change in policy will increase the sales by 15%. अभी अपना सेल कितना था 15 लैक्स, तो 15 लैक्स का 15% और बढ़ जाएगा आपका ना, इट मीन्स 15 लैक्स इंटू 1.15 एंड दिस कम्स टू नवा सेल हो जाएगा 1725। वाइल बैड डेट्स इंक्रीज फ्रॉम 1% टू 4, पहले बैड डेट्स आपका क्या था, पहले आपका बैड डेट्स था 1, अब आपका बैड डेट्स क्या हो जाएगा 4%। गिवन करके लिख लो आप तो आपको, इट इज नॉट एक्सपेक्ट दैट द पॉलिसी विल चेंज रिजल्ट इन इंक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट एंड द क्रेडिटर्स स्टॉक विल अनचेंज्ड, शुड मोशेक लिमिटेड इंट्रोड्यूस प्रपोज्ड पॉलिसी एनालाइज 360 डेज, आपके नंबर ऑफ डेज क्या रहेंगे 360। वेरी सिंपल क्वेश्चन ना, जस्ट कंपेरिजन आपको करना है, इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस, प्रेजेंट प्रपोज्ड सेल्स 15 लैक्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वेरिएबल इज
15 लैक्स, वेरिएबल इज 15 लैक्स इंटू 75% इंटू 80%, एंड फिक्स्ड इज 15 लैक्स इंटू 75% इंटू 20%। सेल्स 75%। मोसेक लिमिटेड हैज करेंट सेल्स 15 लैक्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स 75% ऑफ द सेल्स, एंड बैड डेट्स आर 1% ऑफ द सेल्स। इट मीन्स योर बैड डेट्स आर 1% ऑफ 15 लैक्स, इट मीन्स 15,000। ओके, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स 75% एंड बैड डेट्स आर 1%। कॉस्ट ऑफ सेल्स 80% वेरिएबल, 20% फिक्स्ड। इट मीन्स 15 लैक्स का 75% का 80% इज 9 लैक। 15 लैक्स का 75% का 20% इज 225। 80% वेरिएबल, 20%, वाइल कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%, एंड करेंट एली 30 डेज क्रेडिट, और इट मीन्स एट प्रेजेंट 30 डेज, और ये अभी हो जाएगा 60 डेज, 30 डेज, बट इट इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग 60 डेज। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट दिस चेंज इन पॉलिसी विल इंक्रीज 15%, इंक्रीज इन सेल्स बाई 15%। इट मीन्स 15 लैक्स इंटू 1.15, इट मीन्स नया सेल आपका हो जाएगा 17,25,000। सो 17,25,000 आपका हो जाएगा। ओके, वेरिएबल कॉस्ट नाउ वी कैन टेक माय वेरिएबल कॉस्ट 9 लैक्स रुपीज था व्हेन माय सेल्स वॉज 15 लैक्स। 1725, इट मीन्स 900 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 1725 इज 10,35,000। सही है सो नो फ्रेंड्स, फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, वो आपका क्या रहेगा सेम। ओके, बैड डेट्स, आपका बैड डेट्स अभी हो जाएगा, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट दिस चेंज पॉलिसी विल इंक्रीज द सेल्स 15, वाइल द बैड डेट्स इंक्रीज फ्रॉम 1% टू 4%। इट मीन्स 17,25 × 4% इज 69,000। ठीक है, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड देन। एंड आपका लास्ट बचा, क्योंकि इसको चाहिए कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, इट मीन्स आर ओ आई इज 12%। ये आपका बचेगा नेट प्रॉफिट। ओके, सही है सुनो फ्रेंड्स, आरओआई कैसे निकाल लेंगे, इट मींस इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, दोनों ही अपन को दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 9 लैक्स प्लस फिक्स कॉस्ट 225 इंटू 30/360 इंटू 12/100, 10 लैक
35 प्लस 225 इंटू 60 बाई 360 इंटू 12%, इट मीन्स 9 लैक्स प्लस 225 इंटू 30 बाई 360 इंटू 12% इज 11,250 एंड 10 लैक 35 प्लस 2 लैक 25 इंटू 60 बाई 360 इंटू 12% इज 25,200। ये 25,200, 25,200 और ये 11,250, 11,250, इट मीन्स 15 लैक्स माइनस 9 लैक्स माइनस 225 माइनस 15,000 माइनस 11,250 इज 348,750। 1725 माइनस 1035 माइनस 225 माइनस 69 माइनस 25,200 इज 378,800। आपका इंक्रीमेंटल, आपको इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 378,800 माइनस 348,750 माइनस 348,750, 22,050 से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो वी शुड एक्सेप्ट दिस। अपना प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो रहा है, 22,378,800 ये आ रहा है, और ये वाला कितना आ रहा है, 348 ओनली। हमारा प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 22,050 ना फ्रेंड्स। देख लो, 378,800 माइनस 348,750, 22,050 से अपना इंक्रीज हो रहा है, तो वी शुड एक्सेप्ट दिस। आर यू फॉलोइंग ऑन फ्रेंड्स? परफेक्टली क्लियर, समझ में आ रहा है? यहां पे अपन ने क्या लिया, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट कराता हूं, जहां पे आपका ये अपना ब्रेकअप वाला पार्ट चल रहा है ना, 19 में आपको ब्रेकअप, अब आप, मैं आपको कराता हूं यहां पे ब्रेकअप नहीं है। तो पहला रूल है, पहला ये रूल है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट ले लो। दूसरा रूल है, अगर नहीं है तो फिर वेरिएबल कॉस्ट ले लो। तीसरा रूल है, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो फिर आप सेल्स ले लो। ओके, ठीक है फ्रेंड्स? यस फ्रेंड्स, सो नाउ यू टेक योर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 10.52, PQR लिमिटेड मिला फ्रेंड्स। क्वेश्चन 11, पेज नंबर 10.52, PQR लिमिटेड हैविंग एन एनुअल सेल्स ऑफ 30 लैक्स इज रिकंसिडरिंग इट्स प्रेजेंट कलेक्शन पॉलिसी। एट प्रेजेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड 50 डेज एंड द बैड डेट लॉसेज आर 5% ऑफ द सेल्स। द कंपनी इज इनकरिंग एक्सपेंडिचर 30,000 ऑन अकाउंट ऑफ कलेक्शन रिसिवेबल्स। ओके, कॉस्ट ऑफ द फंड 10%, द ऑल्टरनेटिव एवरेज कलेक्शन पीरियड 40-30, बैड डेट्स 4% 3%, कलेक्शन एक्सपेंस 60 and 95,000। Determine the alternative on the basis of incremental approach and state which alternative is more beneficial, means सबसे कम cost कहाँ पे आ रहा है करके ना, more beneficial। ओके, तो इसको अपन खाली cost के basis पे भी देख सकते हैं, और इसके अंदर क्योंकि अपने को cost of the sales तो दे ही नहीं रखा है, right? PQR Limited having annual sales of 30 lakhs इज रिकंसिडरिंग इट्स प्रेजेंट कलेक्शन पॉलिसी। एट प्रेजेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड 50 डेज, बैड डेट लॉसेज दे रखा है एंड एक्सपेंस दे रखा है ऑन अकाउंट ऑफ कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ फंड्स दे रखा है, राइट? लेकिन बनाने का प्रोडक्ट को वो नहीं है, तो अपन एक्सपेंस के बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। इट मीन्स स्टेटमेंट showing
एनालिसिस। प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव वन ऑल्टरनेटिव टू। पिक्वा लिमिटेड हैविंग ए एनुअल सेल्स, ऑल थ्री केसेस में आपका सेल्स 30 लैक्स, 30 लैक्स एंड 30 लैक्स, राइट। पिक्वा लिमिटेड हैविंग एन एनुअल सेल्स ऑफ 30 लैक्स एट प्रेजेंट कलेक्शन, एट प्रेजेंट कलेक्शन इज 50 डेज। आपके डेज आपको दे रखे हैं इज 50, इज 40, इज 30, ठीक है। पहला आप ले लीजिए, बैड डेट्स 30 लैक्स, 30 लैक्स, 30 लैक्स इंटू एट प्रेजेंट बैड डेट्स 5%, फ्यूचर में होगा 4% एंड 3% इज 15,000, 12,000 एंड 9,000। एड कलेक्शन एक्सपेंस, एट प्रेजेंट कलेक्शन एक्सपेंस 30,000, 60,000, 95,000 एंड देन 10% कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ फंड्स। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपको ब्रेकअप नहीं है, ना तो वेरिएबल कॉस्ट का है ना ही फिक्स कॉस्ट का है, तो अपन इसको क्या ले लेंगे, सेल्स 30 लैक्स इंटू 30 लैक्स इंटू 50/360 इंटू 10%, 30 लैक्स इंटू 40/360 इंटू 10%, 30 लैक्स इंटू 30/360 इंटू 10%, सही है सुनो, दिस कम्स टू 30 लैक्स इंटू 50/360 इंटू 10% इस 41,667, 30 लैक्स इंटू 90/360 इंटू 10% इज 75, 30 लैक्स इंटू 30/360 इंटू 10% 25,000, ओके, टोटल इज 15,30,41,667, 80, this is 1,50,000, 1,20,000 and 90,000, 1,50,000 plus 30, 41,667, 221,667, then 1,20,000 plus 60 plus 75 is, sorry, this is wrong calculation, 30 lakhs into 90, no no, it's 40, this is 40, 40, 30 lakhs into 40/360 into
10%, 33,333, 1,20,000 प्लस 60,33,333, 213,333 एंड 90 प्लस 95 प्लस 25 इज 2,10,000। तो आपका बेस्ट कौन सा रहा? टोटल अप्रोच में आपका बेस्ट रहेगा 210, और दिस इज इंक्रीमेंटल सेविंग। यहाँ पे नील, यहाँ पे 221,667 माइनस 213,333 आपका सेविंग हो रहा है 8,334, और उसके बाद भी 213,333 माइनस 2,10,000 आपका सेविंग हो रहा है। दिस इज ए इंक्रीमेंटल सेविंग, यहाँ पे रुक रहा है। इसका मतलब बेस्ट पॉलिसी आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड इज विल बी योर बेस्ट। ऐसे तो टोटलिटी पे भी अपन का बेस्ट ये पता चल रहा है, सबसे कम कॉस्ट है, और यहाँ पे आपका इंक्रीमेंटल सेविंग कितना हो रहा है वो आप जरा देख लीजिए, राइट। इंक्रीमेंटल सेविंग आपका क्या हो रहा है वो आप जरा देख लीजिए, राइट। से यस ऑर नो फ्रेंड, ऑलराइट, समझ में आ रहा है फ्रेंड? परफेक्टली क्लियर होना। बोलो। तो यहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको सेल्स वैल्यू को ही लेना पड़ेगा करके ना। मैन इसमें जो पॉइंट था ना, मैंने आपको बताया ना, ब्रेकअप नहीं है, ब्रेकअप नहीं है। तो हम लोगों ने कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ फंड कैलकुलेट करने के लिए क्या ले लिया? सेल्स वैल्यू ले लिया। एक ये पॉइंट था, एक मैंने आपको, अपन को टोटल अप्रोच से ही कम सम सॉल्व करना चाहिए, लेकिन अगर इंक्रीमेंटल से करेंगे तो भी सबसे कम कॉस्ट यहाँ आ रहा है, यहाँ पे इससे ये कम है और इससे ये कम। इसका मतलब सेकेंड इज द बेस्ट। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 10.54। स्लो प्लेयर्स आर रेगुलर कस्टमर ऑफ गुड्स, स्लो प्लेयर्स आर रेगुलर कस्टमर ऑफ गुड्स डीलर लिमिटेड एंड हैव अप्रोच द सेलर फॉर एक्सटेंशन ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एनेबलिंग देम टू परचेज गुड्स। ऑन एन एनालिसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई, द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ पेमेंट शेड्यूल अमर्ज इन रिगार्ड टू स्लो प्लेयर्स। पैटर्न ऑफ पेमेंट एट द एंड ऑफ 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 100 डेज एंड नॉन रिकवरी। नाउ स्लो पेयर्स वॉन्ट्स टू एंटर इन टू फर्म कमिटमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 15 लैक्स इन 2021, डिलीवरी टू बी मेड इन इक्वल क्वान्टिटीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर। द प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज 150, विच प्रॉफिट 5 पर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी मेड। इट इज एंटिसिपेटेड बाई द गुड डीलर्स लिमिटेड दैट टेकिंग अप दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन एन एक्स्ट्रा इनकरिंग एक्सपेंस 5,000 पर एनम। इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड इन हैंड गुड्स डीलर 24% पर एनम, वुड यू एज ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ सेलर रिकमेंड द ग्रांट ऑफ क्रेडिट स्लो पेयर्स? एनालाइज वर्किंग शुड बी पार्ट योर आंसर एज्यूम 365 डेज। तो यहाँ पर 365 बोला है तो अपन 365 ले लेंगे, ठीक है। इट मीन्स दिस इज योर अम्मा खरीद सकती है स्टेटमेंट शोइंग 20 kg, बराबर। एनालिसिस ऑफ प्रपोजल, राइट, पहला सेल्स, सेल्स है 15 lakhs, देन वेरिएबल कॉस्ट 15 lakhs इंटू 145/5 रुपीज प्रॉफिट है ना, तो बाकी का आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया ना फ्रेंड्स। इट मीन्स दिस कम्स टू 14,50,000। ये रहता ना 5 रुपीज प्रॉफिट है आपका, सेलिंग प्राइस आपका है 150, उसमें से
प्रॉफिट है आपका 5, तो कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा 145 ना फ्रेंड्स, ठीक है। देन रिकवरिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंस इज 5,000। देन बैड डेट्स, बैड डेट्स आपको दे रखा है 1% ऑफ 15 लैक्स, 15 लैक्स का 1% इज 15,000। नो नोट नंबर 1, दिस इज रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर आपका नेट प्रॉफिट आपको आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 14,50,000, 14,50,000, 14,50,000, 14,50,000, 15% आपको मिलेगा 30 डेज के बाद, और उसके ऊपर आपको कॉस्ट आएगा 24%। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका क्या दे रखा है, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 24%, 15% देन 34% इज 60 डेज इंटू 24%, 1450 का 30% आफ्टर 90 डेज इंटू 24/100 एंड 20% आफ्टर 100 डेज इंटू 24% एंड 1% इज ए बैड डेट्स। सो 14,50,000 इंटू 15% इंटू 30, 14,50,000 इंटू 15% इंटू 30/365 इंटू 24% इज 14,50,000 इंटू 15% इंटू 30/365 इंटू 24% इज 5,000 रुपीज आपका ये भी लगेगा ना फ्रेंड्स, रिकरिंग एक्सपेंस 5,000, 5,000, 5,000। सो 5,000 प्लस 14,50,000 इंटू 15% इंटू 30/365 इंटू 24% इज 4,305। देन 5,000 प्लस 14,50,000 इंटू 34% इंटू 60/365 इंटू 24% 19,517। ये आपका दोनों लग जाएगा ना, रिकरिंग कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स 14,50,000 प्लस 5 इंटू 30/100 इंटू 90/365 इंटू 24% 25,831। अगर मम्मा 10 kg खरीदती है तो प्राइस 120 इंटू 20,24,000 5 इंटू 20% इंटू 100/365 इंटू 24% 19,134। 4,305
68,787. It means 15 lakhs minus 14,50,000 minus 5,000 minus 15,000 minus 68,787. And this comes to 38,787. Loss हो रहा है, decision is no. सही है सुनो, आपका सेल्स था, सेल्स में बोल रहा है 5 रुपये का प्रॉफिट है, इसका मतलब 5 का प्रॉफिट है आपका, तो 145 का कॉस्ट होगा, ये आपका कॉस्ट आ गया. रिकरिंग एक्सपेंस 5,000, बैड डेट्स आपका 1%, नॉन रिकवरी उसने बोल रखा है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5,000, रिकरिंग एक्सपेंस आपका रहेगा 5,000, आपका रिकरिंग एक्सपेंस रहेगा प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स डे परसेंट डेज रेट, ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा, ये आपका डिसीजन. सही है सर. यस फ्रेंड्स बोलो. ऑल राइट, सही है. अब एक आपको और बता देता हूं फ्रेंड्स, इट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टरिंग, इट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टरिंग. कि जैसे सपोज अभी अपने को पैसे की ज़रूरत है, अपने पास पैसा नहीं है और अपने को पैसे की ज़रूरत है, राइट. तो देर आर सम सोर्स ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल इन द मार्केट, सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल इन द मार्केट. वो लोग कमीशन लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन वो अपने को फाइनेंस कर देते हैं, उनको बोलते हैं फैक्टर्स, राइट. तो फैक्टरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उससे कैसे हम कंपेयर करेंगे कि हमारे लिए ये प्रॉपर है कि नहीं, हमें फैक्टरिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. इट्स ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस अवेलेबल इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. आप जरा देख लीजिए इलस्ट्रेशन 18 एंड योर पेज नंबर 10.25. ए फैक्टरिंग फर्म हैज क्रेडिट सेल्स ऑफ, ए फैक्टरिंग फर्म हैज क्रेडिट सेल्स ऑफ 360 lakhs एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 days. The financial controller estimate bad debt losses 2% credit sales. The firm spends 140,000 annually debtors admission. The cost of comprises for telephonic and fax bills along with the salaries of staff. These are avoidable costs. The a factoring firm has offered to buy the firm's receivable. And the factor will charge 1% commission and will pay advance against receivable on an इंटरेस्ट 15% आफ्टर विद होल्डिंग 10% रिजर्व. एनालाइज व्हाट शुड बी द फर्म. देखो पहले तो आपका एट प्रेजेंट क्या कॉस्ट आ रहा है, इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस. ए फैक्टरिंग फर्म 360 lakhs का उसका सेल्स है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 days है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है अपना 30 days. द फाइनेंशियल कंट्रोलर बैड डेट लॉसेस आर 2%, बैड डेट्स हैं हमारे पास एट प्रेजेंट बैड डेट्स कितना है 360, ऑल फिगर इन रुपीज, 360 lakhs इंटू 2%, 3 crore 60 lakhs, उसका 2% इज 7,20,000. ये हमारा एक कॉस्ट है एट प्रेजेंट. द फाइनेंशियल कंट्रोलर एस्टिमेट बैड डेट लॉसेस आर 2% of credit sales. The firm is spent annually, it means admin or you can say collection cost is 1 lakh
40,000, कलेक्शन कॉस्ट इज 140, इट मीन्स हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है 720 प्लस 140 इज 8,60,000। सही है सुनो फ्रेंड्स, उसके सामने अपने को अपना जो टोटल कॉस्ट आ रहा है ये अपना टोटल कॉस्ट आ रहा है, एक अपना आ रहा है बैड डेट्स, बोलो यस और नो फ्रेंड्स। बैड डेट्स 3,60,00,000 का 2% 7,20,000, दूसरा अपने को आ रहा है एडमिन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट 140 एंड अपना टोटल कॉस्ट आ रहा है 8,60,000, अपना टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है 860। अब इसके सामने अगर हम कॉस्ट ऑफ दी फैक्टरिंग अगर हम लोग किसी को ये क्या बोल रहे हैं, दिस कॉस्ट, हाँ दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट, ओके ए फैक्टरिंग फर्म, इट मीन्स दिस इज योर फैक्टरिंग फर्म, ये हमको क्या देगी, पैसा देगी, राइट पैसा देगी, तो क्या बोल रही है फैक्टरिंग फर्म, द फैक्टर विल चार्ज 1% कमीशन, तो पहला अपना कमीशन कॉस्ट 3,60,00,000 इंटू 1% इज 3,60,000, अपने से कमीशन ले लेगा। अच्छा अपने को फंड चाहिए, फंड चाहिए 3,60,00,000, उसमें से 10% वो रिजर्व में रखेगा, अपने को 90% देगा ओनली, रिजर्व 10% इट मीन्स 36,00,000, इट मीन्स 3,24,00,000, ठीक है। अपने पास फंड्स कितना है 3,60,00,000, इसमें से 10% वो रख लेगा, अपने को देगा ये, और उसमें से काट लेगा वो कमीशन, व्हाट इज योर कमीशन, कमीशन विल बी 3,60,000। अगर मामा खरीदती है 20 केजी एट ए टाइम, इट मीन्स प्राइस 19 रुपीज पर केजी, राइट 360 आपका प्राइस हो जाएगा 19 रुपीज पर केजी, 3,3204,000। अब उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट 30 डेज का 360 × 15% इंटू 30/360 इंटू 15%, कमीशन काट के आपको फंड अपने को कितना दे रहा है, ये तो कमीशन काट के पैसा देगा, लेकिन इंटरेस्ट तो वो इस पे ही चार्ज करेगा ना, ग्रॉस पे जो फंड अपने को दे रहा है उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना फ्रेंड्स, 30/360 × 15%, आई एक्सप्लेन यू वेट ना, 3,24,000,000 × 30/360 × 15%, 4,05,000, 3,24 × 30/360 × 15% इंटू 15%, इसको ना मैं वापस से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, देखो आपको फॉरगेट इट राइट, देखो एट प्रेजेंट हमारा क्या कॉस्ट आ रहा है, एट प्रेजेंट हमारा कॉस्ट आ रहा है, एक आ रहा है बैड डेट्स और दूसरा हमारा आ रहा है एडमिन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमारा आ रहा है 8,60,000। अब कमीशन कॉस्ट, कमीशन कॉस्ट वो बोल रहा है कि 1% में कमीशन चार्ज करूंगा आपसे, ठीक है ले ले भाई कमीशन, उसके बाद अपने को लेगा वो इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे चार्ज करेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट, अब हमको फंड्स कितना चाहिए, हमको फंड्स देगा वो 3,60,00,000,
उसमें से 10% वो खुद रख लेगा, इट मीन्स 36 लैक्स। हमारे पास क्या बचेगा, 360 माइनस 36 इज 3 करोड़ 24 लैक्स। ओके, देन कमीशन, कमीशन कितना है, 1%, वो भी वो काटेगा, 3 लैक 60 थाउजेंड। हमारे पास बैलेंस बचेगा 324 000 000, ये हमको नेट अमाउंट मिलेगा। फैक्टर अपने को क्या पैसा देगा, फैक्टरिंग फर्म हमको क्या देगी, बोलेगा हमारा सेल इतना है, बोलता है हम 10% तो रखेगा तुम्हारा, इसका मतलब हमको फाइनेंस करेगा 90%, उसमें से भी वो कमीशन काट लेगा, तो हमको नेट पैसा इतना देगा, और वो पैसे पे हमको 30 डेज का वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। इट मीन्स 320 400 000 इंटू 30/360 इंटू 15% इज 400 500, प्लस 3 लैक 60 थाउजेंड प्लस 400 500 इज 760 500। पहले हमारा कॉस्ट क्या आ रहा था, 860, ये वाला कॉस्ट आ रहा था, अब हमारा कॉस्ट कितना आएगा, 760 500, इट मीन्स माइनस 8 लैक 60, हमारा सेविंग होगा 99 500। सो इट इज़ बेटर टू गो विथ फैक्टर। सही है, सुनो फ्रेंड्स, फैक्टर मीन्स क्या है कि अपने को फाइनेंस करेगा, फैक्टरिंग फर्म दे विल फाइनेंस अस। एट प्रेजेंट हमारा क्या कॉस्ट लग रहा है, बैड डेट कॉस्ट लग रहा है हमारा वो, और एडमिन कॉस्ट हमारा लग रहा है ये। इट मीन्स ये जब वो आउटसोर्स, जैसे आपने देखा होगा ना वोडाफोन है, वोडाफोन आउटसोर्स कर देता है कि भाई आप बिल कलेक्शन करके दो, इसके लिए हम ये हमको फंड दे देगा, तो उसका क्या बोला कि 1% मैं आपसे कमीशन लूंगा, बैड डेट्स की मेरी जिम्मेदारी है, कलेक्शन एक्सपेंस की सब उसकी जिम्मेदारी है, तो उसका वो कमीशन ले रहा है, प्लस जो फाइनेंस आपको करेगा उसका आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा करके ना। तो पहले हमारा कॉस्ट आ रहा था 860, अब हमारा कॉस्ट आ रहा है, इट नेट कॉस्ट अपना आएगा 99 500। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ योर दिस पार्ट इज ए डेटर्स मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।